welcome to the class of ugc net let's start the last topic of unit 5 with this we will wind up this unit and then we'll move to another unit unit 6 my dear students unit 6 will be about business management and hrm so whosoever फाइंड दिस यूनिट सो डिफिकल्ट इफ यू कवर दैट वन तो आपका बहुत बैलेंस हो जाएगा और वो जो नेक्स्ट यूनिट होने वाला है यूनिट सिक्स बहुत ही ईजी होगा मेनी ऑफ द टॉपिक्स आपको ये लगेगा कि ये तो हमने ऑलरेडी कवर कर रखे हैं और हमारे लिए बहुत ईजी है समझने तो आई विल से आई एम नॉट saying की आप यूनिट फाइव को स्किप कर दीजिए बट दो स्टूडेंट्स हु आर फाइंडिंग इट लिटिल बिट डिफिकल्ट यूनिट सिक्स विल हेल्प यू टू बैलेंस वोट दिस एंड यूनिट सिक्स इज वेरी स्कोरिंग माई डियर स्टूडेंट सो आई एम टेलिंग यू विद यूनिट एंडिंग दैट यूनिट सिक्स की आपकी नेक्स्ट सेशन से स्टार्ट हो जाएंगी सारी प्रिपरेशन टॉपिक वाइज वी विल कवर दैट यूनिट सो डोंट स्किप एनी सेशन एंड विद यूनिट फाइव लास्ट टॉपिक स्टे मेक योर सेल्फ अलर्ट एंड येस मेक योर सेल्फ सो रेगुलर विद द सेशन की आप पूरे यूनिट सिक्स को मेरे साथ ही पूरा कवर कर लो आपको बाद में देखना रिविजन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी सो दिस लास्ट टॉपिक ऑफ़ ऑफ़ यूनिट इज़ टाइप्स टेस्टिंग आपको अगर मैम आपने लास्ट सेशन में भी करवाए हैं लास्ट सेशन में वी डिड थ्री टू फोर मेथड्स हेयर वी विल डू अनदर मेथड्स जो आपके अभी रह गए हैं और जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है पहले क्या होता था जो मैंने लास्ट सेशन में आपको मेथड्स करवाए उनमें से क्वेश्चन आता था बट अभी आप रिसेंटली अगर लास्ट सेशन लास्ट टू टू थ्री पेपर्स अगर यूजीसी नेट के निकालोगे कॉमर्स के तो आपके हाइपोथीसिस के क्वेश्चन इन मेथड्स में से आए हुए हैं जो आज के सेशन में, में करवाने वाली हूँ सो वी विल पुट स्टार हेयर फॉर दिस सेशन डेफिनेटली अ क्वेश्चन विल कम फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सेशन तो इस सेशन को बहुत अच्छे से समझना है मेरे साथ कवर करना है सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट स्टार्ट दिस मैन विटनी टेस्ट द वेरी फर्स्ट इज आफ्टर द रेस्ट वी डिड इन लास्ट सेशन नेक्स्ट फ्रॉम देम इज मैन विटनी यू टेस्ट मैन विटनी यू टेस्ट से आप हाइपोथीसिस को कैसे टेस्ट करते हो इसका क्या मैथड होता है लेट्स डिस्कस इट कंपेयर्स टू ग्रुप्स ऑफ डेटा आपके पास दो ग्रुप मिलते हैं दोनों ग्रुप के आप डेटा को कंपेयर करते हो टू सी इफ देर इज अ मार्क्ड अक्ट्रास्ट बिटवीन द रैंक ऑर्डर डेटा इन द टू ग्रुप क्या दोनों ग्रुप के जो हैं उनमें कोई डिफरेंस है सपोज कीजिए माई डियर स्टूडेंट दिस इज ग्रुप वन दिस इज ग्रुप टू तो ग्रुप वन में आपको पर्टिकुलर डेटा गिवन होगा ग्रुप टू में भी आपको पर्टिकुलर डेटा गिवन होगा आप इसको रैंक के हिसाब से देते हो दिस इज रैंक वन टू थ्री सिक्स मैच करते हो कंपेयर करते हो टू सी क्या कोई यहाँ पर डिफरेंस तो है नहीं उनके रैंक्स में ऑल द डेटा फ्रोम बोथ द ग्रुप्स दोनों ग्रुप्स में से आप डेटा निकालते हो टू रन टूगेदर फ्रॉम दी लोएस्ट टू द हाइस्ट सबसे पहले लोएस्ट रैंक होल्डर को देखते हो आप फिर हाइएस्ट तक ऐसे जाते हो लाइन वाइज फ्रॉम लोएस्ट देन लिटल दिट्स अ काइंड ऑफ असेंडिंग ऑर्डर फिर क्या होता है दी रैंक्स आर स्प्लिट इन टू टू ग्रुप्स अब आप रैंक को दो ग्रुप्स में स्प्लिट कर देते हो द टेस्ट कैल्कुलेट्स इवन ग्रुप हैज सिग्निफिकेंटली हाइयर और लोअर एवरेज रैंक्स आप एवरेज भी निकाल सकते हो टू कंपेयर विद द अदर ग्रुप मैन विटनी टेस्ट हमें यही बताता है एंड इट इज यूज कब वेन डेटा इज ईदर बाय द फॉलोइंग कैसे रैंक्ड लाइक रेटिंग्स मैन विटनी टेस्ट से डेटा कैसे कैलकुलेट होता है इट इज रैंक लाइक रेटिंग्स और स्कोर्स आप यहाँ पर या तो रेटिंग निकालते हो या स्कोर्स निकालते हो इंस्टेड ऑफ नंबर्स मैंने आपको पहले ही बताया कि हमें नंबर्स की फॉर्म में डेटा गिवन होता है हम वहाँ पर क्या लिख देते हैं रैंक तो रैंक या स्कोर्स दिए जाते हैं और उसके बेसिस पर कंपेरिजन होता है द नेक्स्ट थिंग माई डियर स्टूडेंट्स इट सेज न्यूमेरिकल डेटा बट नॉट स्प्रेड नॉर्मली विद आउटलायर्स और स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिखता है नॉर्मली नहीं दिखता है ऐसे नहीं दिखता है कि एक नॉर्मल पाई चार्ट है एक नॉर्मल ग्राफ uh, है स्लोपिंग डाउनवर्ड्स और स्लोपिंग अपवर्ड्स नो इट्स काइंड ऑफ अ स्क्यूड दिस वे दिस

जो डेटा होता है इट वैल्यूज फ्रॉम ऑल ग्रुप्स आर कंबाइंड इनको हम क्या करते हैं कंबाइन करते हैं रैंकड फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट यहाँ पर भी जो हमारा डेटा होता है सारे डेटा को हम ग्रुप की फॉर्म में लोएस्ट टू लार्जेस्ट करते हैं स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट हेयर द एवरेज रैंक जो भी नंबर्स की एवरेज रैंक होती है फॉर ईच ग्रुप इज देन कैलकुलेटेड वी कैलकुलेटेड अब आप इसमें खुद ही डिफरेंस देखेंगे आपको तो मैम आपने सेम समझाया बट देर इज अ डिफरेंस इफ़ द ग्रुप रैंक्स डिफर सिग्निफिकेंटली अगर ज़्यादा डिफरेंस है देन इट इंडिकेट्स दैट मीडियम ऑफ द टू ग्रुप्स जो है वो भी डिफर करेगा मीडियम में ही सेम नहीं आना है मीडियम डिफर होगा नल हाइपोथेसिस फॉर द क्रूसकल टेस्ट स्टेट्स की पॉपुलेशन आर इक्वल नल में हम लेकर चलते हैं कि इक्वल है आएगा मीडियन और हम ऑल्टरनेटिव में क्या लेकर चलते हैं कि एटलीस्ट वन पॉपुलेशन मीडियन इज डिफरेंट ओके डिफरेंट लेकर चलते हैं और एक में इक्वल फिर आप करते हो टेस्ट तो टेस्ट में अगर आपके दोनों ग्रुप्स रैंक के डिफर कर रहे हैं तो समझिए कि मीडियन डिफर करेगा मीन ऑल्टरनेटिव हाइपोथिस नल हाइपोथिस को रिजेक्ट करेंगे और कंक्लूजन में क्या लेके चलेंगे कि एटलीस्ट वन सैंपल मीडियम जो था स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम दर एक मेथड दूसरे से डिफर करता है मीडियन जो है एक दूसरे से डिफर है नाउ माई डियर स्टूडेंट्स वी हैव द लास्ट मेथड दैट इज स्पीयमैन रैंक कोरिलेशन टेस्ट स्पीयमैन रैंक कोरिलेशन टेस्ट हमें क्या बताता है इट इज अ नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक है दैट टेल्स हाउ वेल अ मोनोटोनिक पार्ट शोज द एफिनिटी अमंग टू वेरिएबल्स रैंक को रिलेट आप रैंक्स को को रिलेट करते हो अब आप उसमें डिफरेंस नहीं निकालते दो स्टेटिस्टिक दो आपको डेटा गिवन है जो बिल्कुल एक दूसरे से रिलेट नहीं करते आप उनको एक जैसा बनाने के लिए दो वेरिएबल्स को इकट्ठा करते हो Rather of using the actual data values in the correlation analysis, Spearsman test first rank all the data points from dash wait from both variables from smallest to largest. Same way. को रिलेशन एनालिसिस को रिलेशन का हमने बहुत अच्छे से मैथड किया था गो टू दैट सेशन वीडियो पे जाइए को रिलेशन इन रिग्रेशन वाली वहाँ पे बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाया कि कोरिलेशन कैसे कैलकुलेट किया जाता है ऑफ रोड डेटा वैल्यूज द टेस्ट कैन डिटेक्ट मोनोटोनिक एफिनिटी मोनोटोनिक एफिनिटी क्या होता है कि वेयर एज वन वेरिएबल राइजेज दल्सो ऑलवेज राइज एक वेरिएबल राइज कर रहा है तो दूसरा भी राइज करेगा और ड्रॉप्स बट नॉट नॉन लीनियर एफिनिटीज लीनियर में होता है नॉन लीनियर में ऐसा नहीं होता राइट सो दैट द स्पीयर्स मैन रैंक कोरिलेशन टेस्ट वेलिस टेस्ट एंड दी मैन विटनी यू टेस्ट आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन एंड अंडरस्टूड ईच एंड एवरी पॉइंट

PDF of this session, hypothesis testing key. This is available on Telegram. You can go there and stay tuned for the next. Till then, have a good day. Thank you.